हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज 11 को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में दोस्तों, किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपको विंडोज 11 को कहाँ से डाउनलोड करना होगा, किस तरह से अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा, उसकी प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड के साथ मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहना है। और दोस्तों, जो मैं आज आपको विंडोज 11 मेरे पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, वो सिर्फ दोस्तों 10 MB की है। आते हो बहुत ही छोटी साइज है, आप इसे आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हमें सारा कुछ आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ। सिर्फ 10 MB में आप विंडोज 11 का फुल सेटअप अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या जरूरत होगी, सबसे पहले आपको विंडोज 11 को अपने पीसी में डाउनलोड करना होगा उसका सेटअप। तो दोस्तों, अभी जान लेते हैं कि किस तरह से आप विंडोज 11 का सेटअप कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों, अभी आपको करना क्या है, कोई भी ब्राउजर ओपन करें, जिस तरह से अभी देख सकते हो मैंने कोई गूगल क्रोम का ओपन कर लिया है। अभी दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा जानकारी इसी को। दोस्तों, जो जो मैं टाइप कर रहा हूँ इसी तरह से आपको टाइप करते रहना है। और दोस्तों, इस वेबसाइट पर ही आपको बिल्कुल फ्री में विंडोज 11 मिल जाएगी, देख सकते हो, जानकारी सीखो। दोस्तों, आपको ये टाइप कर देना है। और दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चाहे दोस्तों आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह के दिखाई देगी पहली जानकारी सीको.co, इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है बिल्कुल। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो दोस्तों आप लोड होने देते हैं इस वेबसाइट को। तो दोस्तों, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से इस वेबसाइट पर आ सकते हो। और दोस्तों, कुछ इस तरह का इस वेबसाइट का इंटरफेस है, आप देख लीजिएगा। इसी वेबसाइट पर आपको बिल्कुल फ्री में विंडोज 11 मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा और दोस्तों आपको यहाँ पे ये सर्च बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके विंडोज 11 टाइप कर दीजिएगा। वरना दोस्तों, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी विंडोज 11 ISO फाइल। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ISO फाइल डाउनलोड। तो दोस्तों, अभी आपको कर देना है इस पर क्लिक। और दोस्तों, जैसे ही क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, देख पा रहे होंगे मैंने ओपन कर रखा है, देख सकते हो ओपन कर लिया है और देख सकते हो इस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हो इसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और चाहे तो आप यहाँ से पढ़ के भी इसे अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ISO इमेज है। और दोस्तों, ये दोस्तों जो मैं आज आपको विंडोज 11 देने वाला हूँ वो दोनों बिट के लिए है। अगर आपका 32 बिट का पीसी हो चाहे 64 बिट का हो, दोनों में ये बिल्कुल आसानी से वर्क कर जाएगी। तो दोस्तों, अभी आपको करना क्या है, देख पा रहे होंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, देख सकते हो। अगर दोस्तों आपका प्रोसेसर, आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट दिख जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लो एंड पीसी भी है, लो एंड पीसी उस पर भी ये आसानी से चल जाने वाली है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इसके फ्यूचर्स मिल जाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड्स हुए हैं या फ्यूचर्स है इसके अंदर। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इन्हें जरूर पढ़िएगा। और दोस्तों, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा क्लिक ये टू डाउनलोड। और दोस्तों, आपको यहाँ पे ये वीडियो भी मिल जाने वाला है, जिसे आप क्लिक करके वॉच कर सकते हो इसकी पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। तो दोस्तों, अभी आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डाउनलोड के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देते हो, जैसे आप क्लिक करोगे विंडोज 11 लेटेस्ट जो ISO फाइल है इसका रेयर फाइल में ही आपके डाउनलोड कर लेनी है। आपको देख सकते हो इसकी डाउनलोड प्रोसेस, डाउनलोड ड्राइव गूगल से आपको कर लेनी है। आपको यहाँ पे ये डाउनलोड बटन मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, सिंपली से इस डाउनलोड वाले बटन पर कर देना है आपको क्लिक। और दोस्तों, अभी आपके सामने कुछ ऐसा होगा, और उसके बाद में दोस्तों आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। देख पा रहे होंगे हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों, अभी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैं इसे कर देता हूँ कट, क्योंकि दोस्तों मैंने इसे पहले से मेरे पीसी में डाउनलोड करके रखी हुई है। आपको दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, इसकी MB में अभी चेक करवा देता हूँ।
जो आप वहाँ से डाउनलोड करोगे सिर्फ 10 MB में, लगभग 10 MB में आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हमें इसको करना क्या है, विनरार फाइल को एक्सट्रैक्ट। इसके लिए आपके पीसी में विनरार होना ज़रूरी है, आप उससे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड, तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पर पासवर्ड मिल जाएंगे सिंपली से, जो आपको टाइप कर देना है ओके के बटन पर क्लिक। जैसे ओके के बटन पर क्लिक करोगे आपकी एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने एक नया फोल्डर बन जाएगा। अभी दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। और दोस्तों अभी आपको करना क्या है, इसे ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा विंडोज 11 लेटेस्ट। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, इस पर डबल क्लिक करें, विंडोज 11 फुल सेटअप। अभी दोस्तों अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप सेटअप आ चुका है। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उस वेबसाइट की, जिससे आप इस सेटअप को आसानी से डाउनलोड कर सको। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। अनपैकिंग हो रहा है डाटा और देख सकते हो। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों विंडोज 11 को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों आपको सिंपली से कर देना है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों अभी मैं विंडोज 7 यूज ले रहा हूं, और दोस्तों जो ये मेरा पीसी है अभी मैं आपको इस पर विंडोज 11 को इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों अभी कर देना है इस पर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। सिर्फ दोस्तों आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ये ऑटोमेटिकली आपके पीसी में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा विंडोज 11 का सेटअप है वो हमारे पीसी में इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको होने देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि ए रिबूट इज नीडेड टू कंप्लीट दिस इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों अभी मेरा पीसी रिस्टार्ट होगा। तो दोस्तों अभी आप फाइनली देख सकते हो, जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो, प्लीज वेट दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा, देख सकते हो जो हमारी स्क्रीन है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो दोस्तों थोड़ी देर वेट कीजिएगा, देख सकते हो फाइनली जो आइकन्स हैं वो पूरे कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। अभी दोस्तों मैं कर देता हूँ यहाँ पे नो के बटन पर क्लिक, और दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर यू बटन दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो स्टार्टअप मेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, अपडेट अवेलेबल। तो दोस्तों अभी अपडेट ये मांग रहा है, तो दोस्तों अभी आपको कर देना है नो के बटन पर क्लिक। नो के बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आइकन देख सकते हो, जो विंडोज 7 से कन्वर्ट हो चुके हैं, देख सकते हो किस तरह से अलग ही स्टाइल में बन चुके हैं पूरे सब कुछ, जो विंडोज 11 में मेरी विंडोज 7 कन्वर्ट हो चुकी है। अभी दोस्तों मैं इस पर क्लिक भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हो, मैं इन्हें कट कर देता हूँ, और दोस्तों जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो जो फाइनली सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या होगा, ये फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें, और रिबूट नाउ मांग रहा है। तो दोस्तों मैं मैन्युअली बाद में इसे रिबूट कर लूँगा। तो दोस्तों अभी मैं कर देता हूँ इस पर क्लिक, ये फाइनली कट हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो किस तरह से जो हमारे आइकन्स और जो है सारे कुछ चेंज हो चुके हैं। अभी मैं इसे भी ओपन माई पीसी को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे आपको सारा कुछ चेंज हुआ हुआ दिखाई दे रहे होंगे, फोल्डर्स आइकन सब कुछ। और दोस्तों अभी मैं आपको ये स्टार्टअप मेन्यू भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो कि इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कंट्रोल पैनल में आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो जो भी आइकन्स हैं जो भी इसमें थे वो फाइनली पूरे ही चेंज हो चुके हैं, इनकी डिज़ाइन और स्टाइल। तो दोस्तों ये विंडोज हमारे पीसी में फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है, और दोस्तों ये बिल्कुल 10 MB की है, आप इसे आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो इंस्टॉल। तो दोस्तों देख सकते हो सारा कुछ। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आप कितनी आसानी से अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज 11 को सिर्फ 10 MB में डाउनलोड करके किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको उसकी सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दी है। तो दोस्तों आपको इसी स्टेप्स को फॉलो करके इस विंडोज 11 को आप सिर्फ 10 MB में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो के कमेंट नहीं किया तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा ये वीडियो कैसा लगा।
और दोस्तों साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी जान सकेंगे कि इस तरह से विंडोज 11 को इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।